नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसआई भर्ती जो 2016 में जो आपने फॉर्म भरे थे उसके बारे में और 2018 के बारे में। तो आपको आज ये आरपीएससी का एक नया नोटिस जारी हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि आपको जो फॉर्म भरे थे वो दोबारा भरने हैं। तो इसमें किस किस को फॉर्म दोबारा भरने हैं वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज पाने के लिए। अब मैं आपको जो नोटिस आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आज ये जो नोटिस है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से ये हुआ था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से ये निकला नोटिस। तो आप इसकी डेट देख सकते हो, 16/8/2018 को ये नोटिस जारी किया गया है और इसकी जो क्रमांक संख्या है वो भी आप चेक कर सकते हो, 2016/2213 इसकी क्रमांक संख्या। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे अभी बता दूंगा कि इसकी कौन सी लिंक है। तो ये विज्ञापन इसमें बताया गया है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 05 SIPC परीक्षा 2016-17 दिनांक 5/10/2016 तक गृह विभाग के जरिए पुलिस उपनिषद पदों हेतु दिनांक 7/10/2016 से दिनांक 6/11/2016 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आरपीएससी पोर्टल पर आवेदन किए गए थे। जिन विद्यार्थियों ने उक्त विज्ञापन के तहत आरपीएससी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे, अब उन्हें SOID रिक्वायरमेंट पोर्टल के माध्यम से पूर्ण नवीन आवेदन ऑनलाइन करना होगा। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जिस अभ्यर्थी ने जैसे पहले SOID नहीं बनाई थी, उसी को अब दोबारा वो SOID के तहत रजिस्ट्रेशन इसमें जो है वो करवाना होगा। तो आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 में SOID से रिक्वायरमेंट पोर्टल के माध्यम से उक्त पदों हेतु पूर्ण सूची पत्र संख्या 1/2018-19 दिनांक 3/4/2018 5/2018-19 15/5/2018 एवं सूची पत्र संख्या 16/2018-19 तथा 25/7/2018 के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन किए थे। सूची के पत्रों के तहत आवेदित नवीन अभ्यर्थियों को पूर्ण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जिसने इस तारीख को मैंने ये बताई है, इस तारीख को यदि आपने आवेदन किया तो आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आरपीएससी पोर्टल पर यह इसमें SOID के माध्यम से आपको नवीन आवेदन है वो करने होंगे। इसकी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट है, इसकी जो वेबसाइट है वो दी हुई है, इस पर आपको जाके अप्लाई ऑनलाइन लिंक को सेलेक्ट करना है या सीधे SOID पोर्टल पर लॉगिन करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा और SOID एप्लीकेशन के माध्यम से नवीन आवेदन करने होंगे। तो SOID उपलब्ध होनी चाहिए, अगर आवेदक का SOID नहीं है तो वह SOID Rajasthan.gov.in पर SOID बना सकता है। तो दोस्तों, आपको जैसे ही ये फॉर्म भरना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो विज्ञापन है वो पूरा इसका पढ़ लेना, जैसे भी हो वो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के भी आप, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, या पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।